गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के पौने छः बज रहे हैं, नितांश के स्कूल के जाने का टाइम हो गया है, तो हम सभी की तैयारी कर रहे हैं। पहले कैक्टस बाबू को हेलो बोला, डॉगी को हेलो बोला, फिर भगवान जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। देन उसके बाद किचन में गए, किचन में देखा बीवी खाना बना रही थी, बाबू के लिए लंच बनाना है। देन उसके बाद बाबू को रेडी किया, बाबू रेडी हो चुका है और आज स्कूल में बाबू के इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही है, तो इनको फ्लैग बनाना है। तो ये फ्लैग मटेरियल इन्होंने तैयार कर लिया था रात को ही, तो बाबू आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है पूरी, स्कूल जाने की रेडी हो चुका है। तो हम देन स्कूल के लिए निकलते हैं क्योंकि वैन वाले भैया भी इंतज़ार कर रहे होंगे, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। तो हमने बाइक स्टार्ट करी, नितांश को बिठा के हम चल दिए। देन उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गर्मी नहीं है आज, क्योंकि अभी कल परसों बहुत दिल्ली में बहुत भारी वर्षा हुई है, इसी कारण से मौसम ठीक है। वैन वाले भैया देखो सामने ही खड़े थे, बाबू उस वैन में बैठ गया है। देन उसके बाद मैं दूध लेने आया हूँ दूध वाले भैया के पास, तो हम दूध ले रहे हैं। दूध लेने के बाद फिर हमने सोचा चलो आज केले भी खाए जाएं, तो केले वाली अम्मा के पास आ गए केले लेने के लिए। हमने आधा दर्जन केले लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग होते नहीं, खाने ख़राब हो जाते हैं। देन उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाबू का फ्लैग रेडी हो चुका है, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा फ्लैग। थैंक यू।